हेलो एवरीवन, दिस इज योगिता श्रीवास्तव और हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर। फ्रेंड्स, इसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था, पर लेक्चर के बारे में जानने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। फ्रेंड्स, मैं योगिता श्रीवास्तव, ये पूरा मेरा इंट्रो है, तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इजीली पढ़ सकते हैं और हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक हमारे आज के वीडियो में थोड़ी सी चीज़ खास है और वो है हमारा लोगो, ठीक है, जो कि यहाँ तो बेहतर नहीं दिखेगा, आप यहाँ पे बेहतरी से देख पाएंगे, ठीक है। ये हमारा लोगो है जो हमने कल ही स्टार्ट किया है, ठीक है, कल ही लॉन्च किया है इस लोगो को। तो आप अपनी राय, अपने सुझाव दीजिए कि कैसा है ये लोगो, क्या आपको अच्छा लगा। जैसा कि चैनल का नाम है फन टीडी, तो इसका एक टैग लाइन है, दैट इज स्टडी विद फन, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोगो डिजाइन किया गया है। तो क्या आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझको अपनी राय, अपने सुझाव दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब है अबाउट मी योगिता श्रीवास्तव। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं मैं हम अपना लेक्चर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हमें छोटा सा रिविजन भी करना होता है, तो कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। तो कल तक हम कहाँ पे थे फ्रेंड्स, जरा छोटा सा रिविजन कर लें कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल हमने स्टार्ट किया था ये सेल, तो हमने पढ़ा था कि सेल हर जगह पाई जाती है, हर एनिमल बॉडी में पाई जाती है, ठीक है, और क्या सेल के बारे में है, थ्योरी क्या है, ये सब आपको हमने कल बताया था। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है और लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट का अंतर पता है ना फ्रेंड्स। ओके, तो ओहो, दिस इज मेकिंग अ ट्रबल। ओके, तो लेट्स हैंडल फर्स्ट द सॉफ्टवेयर देन स्टार्ट द क्लास। ओके, कभी कभी सॉफ्टवेयर वो कर देता है जो उससे करने को ना कहा जाए, और मेरा वाला तो कुछ ज्यादा ही करता है क्योंकि भी थोड़ा सा न्यू है। ओके, तो उसके बाद सेल शेप के बारे में हमने आपको बता दिया था, क्यों आरबीसी बाइकॉनकेव होती है ये आपको मैंने बताया था, डब्ल्यूबीसी के अमीबॉइड होने से क्या हमारे को बेनिफिट है वो आपको मैंने बताया था, नर्व सेल की स्ट्रक्चर समझाई थी अ लिटिल बिट, और नर्व सेल कैसे कनेक्ट होकर पूरा नेटवर्क बनाते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, गार्ड सेल के बारे में आपको बताया था, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स थे, ठीक है। उसके बाद में आपको बताया था एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस आपको बताया था, ठीक है, और उसके बाद में आपको सेल मेम्ब्रेन तक मैंने आपको बताया था, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ तक तो था कल का लेक्चर। अब कल का लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो इंट्रो लेक्चर था, ऊपर से इसमें हर पॉइंट को मुझे डिस्क्राइब करना होता है क्योंकि आपको समझ में आसानी से आए, चीजें याद रहें, बिहाइंड द स्क्रीन एक स्टोरी होती है तो इजी होता है याद करने का, और यही हमारे चैनल का मोटो भी है कि हम बिहाइंड द स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको स्टोरीज दें या उसकी चीजें आपके बारे में बताएं उसके बारे में इस तरह से कि आपको चीजें याद रहें, ठीक है, यही कोशिश रहेगी। आपके कुछ सुझाव हो कि किस तरह से फन के साथ स्टडी की जा सकती है, कोई सुझाव हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप डालिए, वेलकम है आपका, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है फ्रेंड। तो अब आप देख पा रहे हैं साइटो मींस क्या होता है, सेल, देखिए दिस इज साइटो, तो वर्ड साइटो मींस क्या होता है, सेल, ओके, एंड ये जो प्लाज्म है, प्लाज्म मींस होता है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इज प्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म मतलब क्या होगा, सेल का लिक्विड, ओके, गॉट माय पॉइंट, यानी सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ओके फ्रेंड्स, समझा पा रही हूं मैं अपनी बात को, ओके, ये बात तो वैसे बहुत इजी है तो आप समझ ही गए होंगे, ओके फ्रेंड्स। तो अब आप देखेंगे दिस इज लिक्विड और सेमी लिक्विड, इट इज सेमी लिक्विड, ठीक है, इट इज नॉट कम्प्लीटली लिक्विड, इट इज सेमी लिक्विड, क्योंकि अगर पूरी तरह से लिक्विड हो जाएगा तो अंदर बाहर जो सब्सटेंस होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। मैंने आपको बताया था सेल जो होती है, सेल से कई उनके अंदर कई सारे सब्सटेंस आते हैं, सेल से बाहर कई सारे सब्सटेंस जाते हैं,
तो ये पॉसिबल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की कंसंट्रेशन और यहाँ की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, ठीक है, या फिर कुछ डिफरेंस कराया जाता है। देखिए, आप बाद में जाके पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट जो होते हैं सेल के अंदर, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक और अदर इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये एक बड़ी डिटेल है जिसको मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहती हूँ। वजह ये है कि ओके, आपके कोर्स में नहीं है तो आप उतना ही पढ़िए जितना आपकी उम्र है और आपके सिलेबस में है, ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो ऊपर से बाउंस हो जाएगा, और फिर भी पढ़ने का मन कर रहा है तो बताइए, मैं वीडियो बना दूंगी आपका डिफरेंट, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या होता है कि इसमें कई सारे एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है। अब एंजाइम्स क्या होते हैं आपको पता है? एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? एंजाइम के लिए वर्ड यूज किया जाता है बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बायो मींस क्या होता है? लाइफ। ओके, बायो मींस क्या होता है? लाइफ, ठीक है। मैं इसको लिखूंगी तो जरा टाइम लग जाएगा, आप समझ जाइए खुद से ही, ठीक है। तो बायो मींस क्या होता है? लाइफ। तो कैटलिस्ट कौन से होते हैं जो रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, बट रिएक्शन के एंड में वो एज इट इज बाहर आ जाते हैं? वही होते हैं। कैटलिस्ट कौन होते हैं जो रिएक्शन की जो रेट होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, या डिपेंड करता है, डिक्रीज कर देते हैं, पर एंड में यूज नहीं होते, एज इट इज बाहर आ जाते हैं। अब आप देखते हैं कि ये सेल के अंदर होता है, सेल का लिक्विड होता है, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के जितने भी हिस्से होते हैं वो इसके अंदर ही होंगे। नॉर्मल सी बात है कि बैलून के अंदर एक छोटा बैलून, उसके साइड कुछ कुछ आपने टॉयज डाल दिए, और बोला जाए कि उसको जो उसके अंदर आपने जो पानी भरा हुआ है, अब उसमें बोला जाए कि ये जो छोटे छोटे टॉयज हैं वो उसके अंदर ही हैं, तो इट इज वेरी कॉमन, बस केवल लिखने की चीज है। जैसे ये आपकी सेल हो गई, सेल ये बड़ा बैलून, बड़े बैलून के अंदर ये छोटा बैलून, यानी क्या? न्यूक्लियस। अब यहाँ पे छोटे छोटे आप हाथी घोड़े डाल दीजिए, ठीक है, तो आपको ये बोला जाए कि इसको यहाँ पे लिक्विड भर दिया जाए, पानी भर दिया जाए इधर, और उसके बाद में एक छोटी सी लाइन जाए, इट कंटेन सेवरल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ऑर्गेनेल्स कौन से हो गए? जो तो मैं आपको मैंने हाथी घोड़े ये बताए थे, ठीक है। इट कंटेन सेवरल ऑर्गेनेल्स एंड ईच कंसर्न विद वन स्पेसिफिक फंक्शन। तो ऑब्वियसली देखिए, ऑर्गेनेल्स है तो फंक्शन के लिए ही है, हाँ, और किसके अंदर है? इस साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है। तो ये लिखने की चीज होती है, तो ये छोटी छोटी लाइन से बड़ी बड़ी टेंशन हमको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसके सिवा क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो थोड़ा सा, जो ऑर्गेनेल्स होती है ना, कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स तो उनके इनसाइड भी होता है, ठीक है। जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ये साइटोप्लाज्म, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट आर बी कॉल्ड साइटोसोल, ठीक है। ये देखिए साइटोसोल, देख पा रहे हैं आप? तो इसके अंदर है, जब जो देखिए ये आपकी सेल है, सेल के अंदर ये न्यू आई एम सॉरी ये न्यूक्लियस है। इसके सिवा यहाँ पे छोटी छोटी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो ऑर्गेनेल्स हैं, इनके अंदर अगर प्लाज्म पाया जाएगा, लिक्विड पाया जाएगा, होगा यही, ठीक है। पर ये पाया जाएगा, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि भाई इसके अंदर है तो इसके अंदर जो कंटेंट होगी उनके अनुसार प्रॉपर्टी होगी उसकी, पर थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, हम इसका नाम क्या रख देते हैं? साइटोसोल। और ये जो बाहर की ओर है इसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। जस्ट आपको याद रह सके इसके लिए ये सारे कर्तव्य किए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस इजिली आप कर सके, समझा पा रही हूँ मैं अपनी बात को? तो साइटोप्लाज्म आपको समझ में आ गया। अब द मेजर थिंग इज न्यूक्लियस, ठीक है, बैलून के अंदर वाला बैलून, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सेल, और सेल के अंदर ये छोटा सा न्यूक्लियस, इतनी बड़ी बड़ी सेल दिख रही है ना, इसमें बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स आ जाएंगे इतनी एरिया में, ठीक है। तो ये जो छोटा सा बैलून है ना, ये वाला बैलून, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, और क्यों ना हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जितना भी
डर आपको न्यूक्लियस को लेके आज तक भी दिखाया गया है, सारे डर को उठा के साइड वाले डस्टबिन में फेंक के आइए सबसे पहले, देन हम न्यूक्लियस स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि आपको बताया, ये छोटा सा जो बैलून होता है इनसाइड एंड बाहर, छोटे बैलून के पास जा रहे हैं, अब हम बड़े बैलून पे बार बार नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब आप कहते हैं क्रोमोसोम्स तो प्रोकैरियोट्स में भी होती हैं, तो फिर वहां पे तो न्यूक्लियस नहीं होता, कहाँ से कहाँ पे रहती हैं या क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो देखिए जस्ट सिंपल होते हैं, वहां पे जो साइटोप्लाज्म जो होता है उसी के अंदर ऐसे क्रोमोसोम पड़े रहते हैं, मतलब एक ही कहूंगी, एक ही होता है, देखिए कॉइल शेप में होता है, जैसे भी होता है, ये देखिए ऐसे करके ये एम ही पड़ा रहता है। ये क्या है, ये से न्यूक्लियस में समझिएगा, ये क्रोमोसोम है, जीनोम है, ठीक है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, इसके इसके लिए कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती। और जब ये स्पेसिफिक बाउंड्री होती है तो किसमें होती है, ये हम कहते हैं सेल को, ये हो क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल हो गया, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस भी आ गया प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। अब जरा खतरनाक वाली बुक की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं जिसको आप देख देख के डरते रहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, न्यूक्लियस इज अ लार्ज समवॉट स्फेरिकल बॉडी लाइंग नियरली इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म में होता है या नियरली सेंटर में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे आपके आपको ये सेंटर दिखाई देता है, क्या ये आपको एग्जैक्ट सेंटर दिखाई देता है, तो इट इज नियरली सेंटर, ठीक है। ये प्लांट सेल है, आप देख पा रहे हैं ये राइट वन इज अ प्लांट सेल, तो जो प्लांट सेल है तो इतनी बड़ी वैक्यूल हो जाएगी तो क्या करेगी, धक्का मार के न्यूक्लियस को साइट कर देगी, तो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर है, ठीक है। तो डिपेंड करता है सेल, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता बायोलॉजी में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो लेयर होती है, जो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर की, ये देखिए ये आपकी सेल की लेयर, ये न्यूक्लियस की लेयर, ठीक है। अब ये जो इसको न्यूक्लियस की लेयर होती है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखिए ये डबल लेयर्ड होती है, अब इस पे इससे अच्छी आर्ट नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होता है, यहाँ पे कई सारे गेट्स बने होते हैं, ये ऐसे करके गेट्स, एक नहीं कई सारे गेट्स होते हैं, ये क्या कहेंगे, न्यूक्लियोपोर्स। ऑब्वियसली पोर्स मतलब कि क्या होता है, छेद, ये देखिए ये पोर्स हो गया, ये पोर्स हो गया, ये पोर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोर्स है इनके थ्रू, देखिए यहाँ पे जीन्स होते हैं, तो जीन्स की इंफॉर्मेशन के लिए, अब जीन्स थोड़ा ना यहाँ से उछल के यहाँ पे आएंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन, दिस इज इन्फॉर्मेशन प्लीज टेक इट, है ना, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे राजा बैठा होता है अपना दूध भेजता है, बिल्कुल वैसे ही होता है कि ये यहाँ पे बैठ के राजा है, कौन, जीन्स, और अपना दूध यानी उनका दूध का नाम क्या है, आर एन ए, क्या नाम है, आर एन ए, ठीक है, अपने दूध को भेजेंगे और वो बाहर जाके बताएंगे कि भाई ये वाला प्रोटीन बनाना है, और उस तरह का प्रोटीन बनेगा यहाँ पे आके, कैसे बनेगा क्या होगा फर्दर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये आरएनए कहाँ पे, कहाँ से बनता है, इस आरएनए का नाम पता है, एक होता है इस आरएनए का नाम होता है एमआरएनए, इट्स अ मैसेंजर आरएनए, तो एम एम स्मॉल होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इट्स अ मैसेंजर आरएनए, इतना आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बताया ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो जीन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, और इंफॉर्मेशन बाहर जाके डिकोड होती है इन अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन के रूप में डिकोड होती है जस्ट फॉर सेल ऑर्गेनेल्स। अब उस वो एक स्पेशल कोडिंग प्रोटीन बनाते हैं जो टारगेट ऑर्गन पे जाके एक स्पेशली डिकोड किया जाता है, और वहां पे जाके उसका जो फंक्शन होता है वो ओपन होता है, और फिर उसका जो फंक्शन जो होता है वो करता है, जैसे जैसे सपोज आपकी आई के कलर के लिए पिगमेंट्स फॉर्म करना है, उसके लिए पर्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत है। तो क्या होगा, सेल में जीन्स बोलेंगे कि भाई जाइए आरएनए, बोलिए सेल को कि ये प्रोटीन बनाए, तो सेल क्या करेगी, प्रोटीन बनाएगी, प्रोटीन बना के क्या करेगी, उसको पैक करेगी,
और पैक करने के बाद में, तब देखिए ये भी तो उसका कोड है अब पैक, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ देगी तो पूरी इतनी बड़ी बॉडी होती है, कहीं पे भी जाके डिलीवर हो जाएगा। नहीं, तो इसकी कोडिंग होती है कि इसको जाके आईज में जाके डिलीवर होना है, तो आईज में जाके डिलीवर होगा और उसके बाद में क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे आके पिगमेंट्स फॉर्म करेगा, आई का पिगमेंट फॉर्म करेगा। आपकी आंखों को कलर होता है, ठीक है, वो पिगमेंट्स की वजह होता है, पता ही होगा आपको, पर फिर भी मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आता रहे तो बेहतर होता है, ठीक है। तो ये है अबाउट न्यूक्लियस। अब देखें कि न्यूक्लियस में और क्या-क्या ये हमसे बोलना चाह रहे हैं, तो आगे देखते हैं। हाँ, अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, उस ट्विस्ट का नाम पता है क्या है? उस ट्विस्ट का नाम है न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या नाम है उसका? न्यूक्लियोलस। ये देखिए, और प्लूरल बोलेंगे तो व्हाट इज न्यूक्लियाई। अब ये कौन सी बला आ गई? डर गए? क्यों डर रहे हैं जब मैं हूं? ये सेल न्यूक्लियस, इसमें यहाँ पे डेंस पार्ट होता है, ये देखिए ये बड़ा डेंस सा पार्ट होता है, ये जो डेंस सा पार्ट होता है दिस इज न्यूक्लियोलस। यहीं पे जीन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होते हैं, आरएनए फॉर्मेशन होते रहते हैं, इसके चक्कर में ये डेंस पार्ट होता है। तो क्योंकि ये डेंस पार्ट होता है तो इसको कुछ तो नाम रखना पड़ेगा, तो इसको एक दे देते हैं, जैसे डिवीजन, सब डिवीजन होता है बिल्कुल वैसे ही, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लियस। तो इसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लियोलस रख दिया। तो अभी कोई दिक्कत नहीं होता है ना, लगभग ये राउंड शेप का ही होता है, ये डेंस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया? देखिए क्रोमेटिन फाइबर्स और क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं? वो हमें सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। अब सेल डिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, टूट फूट होती है, रिपेयरिंग होती है, आपके घर में भी कभी कुछ गिर गया, टूट गया, फूट गया, तो आप उसे रिपेयर करवाते हैं, तो यहाँ पे भी रिपेयर की जरूरत होगी। आपके घर में रिपेयरिंग के लिए क्या लगती है? ईंट, ठीक है, और यहाँ की ईंट क्या है? दिस इज सेल, ठीक है, यहाँ की ईंट का क्या है, उसका नाम क्या है? सेल। तो सेल से ही सेल बनेगी। मैंने वो आपको बताया कि कोई भी लिविंग चीज से ही प्रोड्यूस होती है, बनती है, तो सेल से ही सेल बनेगी। तो सेल से सेल का बनना इज कॉल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। तो वो भी उसमें क्या होता है कि जितने भी देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ये सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स का नंबर डबल कर दिया जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स का नंबर डबल कर दिया जाता है, उसके बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दी जाती है, और उसके बाद क्रोमोसोम का नंबर डबल कर दिया जाता है, और डबल करने के बाद में क्या होता है, एक सेल से कितनी सेल बन जाती हैं? दो सेल, ठीक है, आधा इसमें क्या क्रोमोसोम और आधा इसमें क्रोमोसोम, ठीक है। ये उसके बाद में इसकी भी न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है, और इसकी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है, अब ये दो सेल हो गए। हमेशा ध्यान रखिए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये कभी भी काम नहीं करता। आप घर शिफ्ट करते हैं, कभी आपने घर शिफ्ट किया होगा तो आप घर की पैकेजिंग कर लेते हैं, या कहीं पे जा रहे होते हैं तो पैक करते हैं सामान, तो सामान पैक करते समय उसे यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, या तो वो पैक किया जा सकता है, पैक करके शिफ्ट किया जा सकता है, या तो उसे यूटिलाइज किया जा सकता है, एक काम ही हो सकता है। तो जिस ड्यूरेशन में ये डिवीजन हो रहा होता है, यानी एक सेल से दूसरे नई बेबी सेल में जब ट्रांसफर हो रहा होता है क्या, क्रोमोसोम, तो उस ड्यूरेशन में किसी भी तरह का कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता, नया प्रोटीन नहीं बनता है, ठीक है। तो दिस इज अ सेल डिवीजन, सारे गैंगलियंस डबल होंगे, ठीक है, केवल ऐसा नहीं कि ये क्रोमोसोम ही डबल होगा, पर इसका जरा थोड़ा सा मेजर काम होता है, इस चक्कर में इसको बताया जाता है। और जो रिएक्शंस होती हैं आउट ऑफ टू टाइप, माइटोसिस एंड मियोसिस, क्या होती हैं आपको बाद में बताया जाएगा। पर जो सेल डिवीजन की खासियत है, व्हाट इज दैट? सेंट्रियोल्स। ये देखिए ये सेंट्रियोल्स है छोटे छोटे, ये सेंट्रियोल्स एक इधर रहेगा, एक इस साइड आ जाता है, ठीक है,
और ये ही एक अट्रैक्शन का काम करते हैं, जिससे क्रोमोसोम्स जो होते हैं आधे इधर खिंच जाएंगे आधे इधर खिंच जाएंगे और बीच में डिवाइड होके दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाए। मैं बना देती हूँ, एक सेकंड, लेट मी चूज द पैन। तो ये एक सेल, तो यहाँ पे सेंट्रियोल आएगा और यहाँ पे सेंट्रियोल, तो इसमें क्या होगा कि इस तरह से स्पिंडल फॉर्मेशन होगा। ये स्पिंडल कुछ नहीं करते हैं, क्रोमोसोम्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है, अपनी ओर खींचते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए स्पिंडल्स बन गए, ये क्रोमोसोम को आपस में खींच लेंगे। क्रोमोसोम्स कहाँ पहुंच जाएंगे सेकेंड, अगर उसमें आप देखेंगे तो क्रोमोसोम्स कहाँ पे पहुंच जाएंगे, कुछ क्रोमोसोम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, कुछ क्रोमोसोम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सेनोनुक्लियस का बंटवारा हो जाएगा, बंटवारे के बाद एक बंटवारे की रेखा खींच दी जाएगी, उसके बाद जो बनेंगे व्हाट इट विल बी वन सेल एंड इट विल बी अनदर सेल, ठीक है, तो दो सेल फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये होता है सेल डिवीजन और ये होता है फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है, समझा पा रही हूँ मैं अपनी बात को। अगर ऐसा कहीं भी हो, जब लेक्चर लेंदी हो रहा हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी थ्रू योर कमेंट्स, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ ये परेशानी है, डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में ही उसको डिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, मतलब आगे बढ़े, स्टार्ट तो बहुत देर से हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक बहुत अजीब सी चीज मैं डिफेंस दिया हुआ है, बड़ा बच्चा समझ के आप कोट पटांग हरकतें ही लोग करते रहते हैं। तो देखिए क्या, व्हाट इज ऑर्गन एंड ऑर्गनेल्स, ठीक है, तो व्हाट इज ऑर्गन, व्हाट इज ऑर्गनेल्स, ऑर्गन जो बड़ा है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन है, ऑर्गनेल्स का ही होता है। अब क्या है, सेल के अंदर है तो उसको बोल दिया ऑर्गनेल्स, जो जिनसे मिलके, देखिए क्या सबसे पहले क्या होता है, सेल होती है, ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल क्या कहलाता है, आपका टिश्यू कहलाता है, ठीक है। क्लस्टर ऑफ टिश्यू क्या फॉर्म करता है, ऑर्गन फॉर्म करता है, क्लस्टर ऑफ ऑर्गन्स क्या फॉर्म करता है, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये बड़े लेवल पे क्या हो गया, ऑर्गन हो गया, क्योंकि ये सेल के अंदर है ये बच्चा, तो इसका नाम क्या रखू, क्या बोल दिया कि सेल के ऑर्गनलीज है, ठीक है, सेल के क्या है ये, ऑर्गनलीज। ओके, गॉट माई पॉइंट, एनी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके पास है ही, आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। हाँ, एक चीज और होती है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। तो इसके लिए मैं क्या कहूंगी कि आप प्लांट सेल में से सेल वॉल हटा दीजिए, अंदर जितना भी लिक्विड बचेगा दैट इज कलेक्टिवली उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। बेसिकली पहले कहा जाता था कि इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, एक सेकंड कहाँ गया मेरा कर्सर, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ समझ में, ये देखिए पहले कहा जाता था कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ऐसा कहा जाता था। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया आपको। अब ये सेल के पार्ट बड़े शॉर्ट में बहुत अच्छे से स्वीटली आपको दिए हुए हैं, तो इन पे आ जाइए। पार्ट्स ऑफ सेल, इनके मेन कैरेक्टर दिए हुए हैं और फंक्शंस भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, आप इसको यहाँ पर एक बार चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, सेम वही फंक्शन है जो मैंने आपको पढ़ाए थे पिछले वीडियो में। सेल वॉल भी मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, साइटोप्लाज्म इस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो अब डायरेक्ट नंबर कहाँ पे आया, डायरेक्ट नंबर आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कितना खतरनाक सा नाम लगता है ना, इतना लंबा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, केवल आपको डराने की साजिश है, ठीक है। तो चलिए साजिश को फेल करते हैं, देखिए ये आपका क्या सेल, ये आपका छोटा सा न्यूक्लियस, जिससे काम नहीं होता छोटा सा बनाओ, है ना। तो अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है कंटिन्यूस होती है इस तरह से, देखिए स्ट्रक्चर में ये रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर होती है, रेटिकुलेटेड मतलब क्या होता है, जालीदार,
जाली होती है उस तरह की स्ट्रक्चर होती है, देखिए पूरे पूरे में होती है, यहाँ 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 पूरे में होती है इस टाइप की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक, एंडो व्हाट इज द मीन ऑफ एंडो, एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिड प्लाज्मिड प्लाज्मा मीन्स आपने लिक्विड, ये जो आपका सेल के अंदर का जो लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म का प्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम्स मीन्स क्या है, जाली नुमा स्ट्रक्चर, जो इसकी स्ट्रक्चर जाली जैसी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ जाली नुमा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। समझा पा रही हूँ मैं आपको, बहुत छोटे से उसमें आपको मैं समझाना चाहती हूँ ताकि आप कभी इस चीज को भूल लेना, हर चीज को एकदम खोल खोल के आपको अच्छे से इसलिए समझाया जा रहा है, टाइम भले लग रहा है पर जो आप समझेंगे वो सुपर्ब होगा ना। इससे आगे मैं बिल्कुल आपको पढ़ाने वाले नहीं हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया हम कल पढ़ेंगे क्योंकि मुझे पता है बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको परेशानी होगी, तो हम ईआर पे फिनिश करेंगे। लेक्चर बोरिंग नहीं होना चाहिए, चाहे मैं आपको 2 घंटे ही पढ़ाऊं तो आपको बोरियत ना हो, मेरी यही इच्छा है, ठीक है। इसके लिए आप अगर मुझे कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ चीजें बता सकते हैं कि ये कीजिए मैम, इसके बाद में बोरियत थोड़ी सी कम होगी या फिर सब कुछ ठीक है, जैसा भी हो आप मुझे बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट कमेंट क्या कीजिए, कुछ तो कहा कीजिए, मुझे कुछ समझ में आया। और हाँ, सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको बताया था ये लाइक्स और सब्सक्रिप्शन होते हैं ना, ये इसको आप मेरी ट्यूशन फीस समझ लीजिए। प्रॉब्लम इज दिस कि ये हमारा मोटिवेशन होते हैं, ये लाइक्स जब आप करते हैं, ये कमेंट्स जब आप करते हैं, ये सब्सक्रिप्शन आप करते हैं, ये जो शेयर आप करते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये हमारा प्रोटीन होता है, इससे हमें हमारी जो स्ट्रेंथ होती है ना उसको बूस्ट मिलता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम और अच्छे से या और ज्यादा काम करते हैं, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बेहतर है, वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह से ये चीजें बढ़ें, ठीक है, आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़े, हमें समझ में आता है कि आप उसे देख रहे हैं, ठीक है। और आपको देख रहे हैं तो आपके व्यूज से पता चल जाएगा, पर आपको समझ में आ रहा है या कहाँ पे कोई कमी छूट रही है या किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये हमारा मोटिवेशन है, ठीक है। तो बस मुझे इतना ही चाहिए, और इसको थोड़ा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल थोड़ा सा नया है तो इस समय आपकी थोड़ी हेल्प की जरूरत है, थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है। आपका मोटिवेशन नहीं मिलेगा हम यहीं बैठ जाएंगे, ठीक है, नहीं आएगा अगला वीडियो, क्या करेंगे वे, क्योंकि हम लोग भी अदर काम भी होते हैं, ठीक है। तो बस थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत होती है हमको भी, जैसे मैं आपको बूस्ट करती हूँ, आपके मॉरल को बूस्ट करती हूँ, उसी तरह से यू शुड ऑल्सो बूस्ट माई मॉरल ऑल्सो ना, तो प्लीज। ओके चलिए, कम बैक टू द पॉइंट, बहुत यहाँ वहाँ की बातें हो गई। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा के अंदर एक रेटिकुलेटेड यानी जालीदार स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो जालीदार स्ट्रक्चर होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक जिसके ऊपर ये छोटे 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 दाने होते हैं, इन छोटे छोटे दानों का नाम पता है क्या होता है, इन छोटे छोटे दानों का नाम होता है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, ठीक है। बहुत सुंदर राइटिंग आती है, जबरदस्त, मैनेजर को ना पढ़ने में आया क्या लिखा हुआ है, बट आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको उसमें क्या कहते हैं, राइबोसोम्स, कहाँ पे होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और जिनके ऊपर ये इस टाइप की रफ स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन कैसी स्ट्रक्चर, मैंने बोला रफ स्ट्रक्चर्स, ये मोती मोती आल्पिन जैसे जो स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, जिनके ऊपर इस टाइप की स्ट्रक्चर, देखिए पिन लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए ये से आलपिन आपने लगा दी, ये देखिए इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है बेसिकली। तो जिनके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑब्वियसली जिनके ऊपर स्ट्रक्चर नहीं होंगे, जो जो रफ नहीं होगा तो दैट विल बी स्मूथ, ऑब्वियस सी बात है, तो अदर विल बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहां नहीं दिया है पर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नहीं दिखेगा कहाँ दिया है कहाँ नहीं दिया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए एक तो ये थोड़ा सा बड़ा है, देखिए यहाँ पे मे बी स्मूथ एंड रफ, छोटा सा उन्होंने टैगलाइन दे दिए एग्जाम में, दे देंगे हमने तो, फिर टैगलाइन दिखा देंगे, हमने तो समझाया था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बड़ा करके समझा रही हूँ, तो जहां पे राइबोसोम वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जहां पे राइबोसोम, व्हाट इज राइबोसोम्स, ये ईआर के ऊपर ये छोटी छोटी आल्पिन,
ठीक है, इनका नाम क्या है, राइबोसोम्स। तो जहां पे राइबोसोम्स वहां पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है वहां पे, प्रोटीन सिंथेसिस। ऑब्वियसली बात है, जब स्मूथ वाले में राइबोसोम्स नहीं होते तो वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। तब वो क्या करते हैं, उनको हमने शोपीस के लिए लगाया, बिल्कुल भी शोपीस के लिए हमारी बॉडी में कुछ नहीं है। ठीक है, तो उनपे क्या होता है, उनपे डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है। डिटॉक्सिफिकेशन कितना खतरनाक वर्ड है ना। तो डी जब भी कोई चीज आता है तो डी का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। ठीक है, या निकाल देना, हटा देना। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब हो गया, टॉक्सिक मीन्स क्या होता है, जहरीला, विषैला। ये सब आप नोट्स में लिखेंगे तो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहना पड़ेगा, वरना बार बार घुमा घुमा के वीडियो देखिए। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम। बहुत खूबसूरत लिखती हूँ मैं। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक करता है डिटॉक्सिफिकेशन काम, यानी टॉक्सिक सब्सटेंस जो आ जाते हैं सेल के अंदर उनको एलिमिनेट करने में, डिटॉक्सिफाई करने में आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके बारे में समझ में आ गया। तो देखिए, कुछ इससे सिवा कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा है, सपोर्टिंग फ्रेम फॉर द सेल, द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली। ठीक है, प्रोटीन एंड फैट का ट्रांसपोर्ट में काम होता है, जब ट्रांसपोर्ट आपको बताऊंगी, गॉल्जी बॉडी बताऊंगी, गॉल्जी अपैरेटस हियर। हाँ, एक देखिए, मेरा पढ़ाने का बड़ा मन कर रहा है, पर मुझे पता है वीडियो मुझे खत्म करना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है, तो पर थोड़ा सा तो मैं बता के ही मानना है मैंने। ये देखिए, ये इसके बारे में ना बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है एक छोटी सी। तो यही एक ऐसा सर ऑर्गन है जिसका नाम उसके डिस्कवरर के नाम पे रखा गया है। किस पे रखा है, इसके डिस्कवरर के नाम पे रखा हुआ है। ठीक है, तो बाकी जितने भी हैं उनमें देखिए ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ऐसा ना, और गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी का यंत्र, इन हिंदी आप कहेंगे तो क्या कहेंगे, गोल्जी का यंत्र, गोल्जी एपरेटस। गॉट माई पॉइंट। तो इतना ही मैं आपको बताऊंगी, कैमलोगोल्जी ने इसे डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी एपरेटस। अगर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनिज है जिसका नाम उसके डिस्कवरर के नाम पर रखा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, गोल्जी एपरेटस। मैं आपको यहाँ के लिए भी तैयार कर रही हूँ, मैं आपको कॉम्पिटिशन के लिए भी तैयार कर रही हूँ। आप मेडिकल में जाइए, आप किसी भी कॉम्पिटिशन में जाइए, आप फेल नहीं हो सकते अगर यहाँ से क्वेश्चन आया। अगर बायोलॉजी के इस पोर्शन से क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं जो डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ वो है आपके कॉन्सेप्ट्स। आप इतना डीप कॉन्सेप्ट मैंने बैठा देना है आपके अंदर कि आप भूल ना पाए इस चीज को, और ना ही बायोलॉजी आपके लिए हुआ या बड़ी कोई प्रॉब्लम रह पाए। वीडियो को एक से दो बार देखिए ताकि ये चीज आपके अंदर समझ में आ जाए आपको। ठीक है, दिमाग में एक होता है ना सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर भी पढ़ाती हूँ मैं, साथ साथ आपको। तो जो सेकेंडरी मेमोरी में जाके एकदम जाके स्टोर होके अच्छे से बैठ जाए, प्राइमरी मेमोरी में नहीं कि हाँ अभी मम्मी ने पिज्जा बनाया तो फिर पिज्जा में चला गया, उसके बाद भूल गए दीदी ने क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो वो ना रहे। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जाए। तो एक से दो बार इस वीडियो को देखिएगा अगर आपको बाई चांस एक बार में समझ में नहीं आता, और हाँ नोट्स बनाइएगा, क्योंकि कई सारी जो ट्रिक्स मैं छोटी छोटी बोलती हूँ ना वो आपको मिलेंगी नहीं कहीं पे, वो मेरी खुद की पर्सनल इनोवेशन है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप नोट्स बना लें अच्छे से छोटा सा, या फिर दो तीन बार लेक्चर देख लें तो भी आपको याद हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर एग्जाम में लेक्चर देखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, जल्दी से रिवीजन की जरूरत होती है, तो नोट्स बनाने थोड़ा सा टाइम लगेगा बट चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको अब मैं आपसे कहना चाहूंगी वही जो हमेशा कहती हूँ कि बहुत बहुत थैंक यू आपने ये लेक्चर देखा, और प्लीज 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 लाइक कमेंट और सब्सक्रिप्शन करना, सब्सक्रिप्शन पढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी विद फन, दैट इज फनटिडी. गॉट माय पॉइंट माय स्टूडेंट्स? ओके, बाय बाय.